प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, पहले बेबी बहुत एक्टिव था, 15 वीक से मुझे बहुत मूवमेंट होती थी, लेकिन अब मूवमेंट कम हो गई है, ऐसे क्यों? और क्या मैं थ्रेडमिल पर सबसे स्लो स्पीड पर मूव कर कुहू? आपको 15th वीक से मूवमेंट फील हो रही थी, ये बहुत बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 15th वीक से मूवमेंट फील होने लगे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट्स 21 वीक्स के बाद फील होती है, बहुत कम लोगों को 16th वीक में फील होने लगी, और आपको तो 15th वीक में, जो कि बहुत आई वुड से वन इन अ मिलियन इतने कम चांसेस होते हैं आपको मूवमेंट इतने जल्दी फील होने के। सिंस आपकी मूवमेंट्स अच्छी खासी थी, अगर आपको श्योर है कि वो डेफिनेटली मूवमेंट्स था और अभी आपको बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं फील हो रही है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है अब एक अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाओ, ताकि आपको पता चले कि वेदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, थ्रेडमिल पर स्लो स्पीड पर वॉक कर सकती हूँ। सो कुहू इट्स ऑलवेज बेटर कि देखो थ्रेडमिल में ना, अगर आप स्लो स्पीड पे भी वॉक करो, कभी कभी वर्टिगो होने लगता है, कभी कभी डिजीनेस होने लगती है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऐसे पार्क में जाके वॉक करो, क्योंकि आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में वॉक करो और एक ओपन एनवायरनमेंट में वॉक करो, दोनों चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही डिफरेंटली इम्पैक्ट करती है, और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप किसी गार्डन में या अपनी बिल्डिंग के आसपास या कहीं पर भी जाके वॉक करो, रादर देन डूइंग इट इन अ जिम और इन ऑन द थ्रेडमिल। ठीक है, मोर ओवर जैसे मैंने बताया कि बीपी लो होने के चांसेस, डिजीनेस होने के चांसेस, वर्टिगो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सो इट्स बेटर यू अवॉइड। ठीक है,